बिग बॉस को खत्म हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन इतने वक्त बाद ही सही प्रतीक सहजपाल ने पहली बार अपनी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 पर। देखिए आप सभी को बता दूं कि प्रतीक सहजपाल विनर बने ये बहुत सारे लोग चाहते थे, हालांकि तेजस्वी भी इक्वली डिजर्विंग है। देखिए उस पॉइंट पर आकर टॉप 2 या टॉप 3 में से फिर कोई भी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर टॉप 5 में से कोई भी विनर बने, वो कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते हैं, वहां तक पहुंचे हैं इसीलिए विनर बने हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी प्रकाश के विनर बनने के बाद कितना तकलीफ हुई थी प्रतीक सहजपाल को, इस बारे में उन्होंने रिवील किया है और वो मैं आपको बताने आ गई हूँ। फिर रिसेंटली बॉलीवुड बबल से बातचीत के दौरान प्रतीक से जब सवाल किया गया कि आप फर्स्ट रनर अप बने बिग बॉस 15 के, उस पर क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि सलमान ने उस दौरान एक मजाक किया और प्रतीक को टॉप 3 से उन्होंने निकाल दिया और करण और तेजस्वी को वहां पर खड़ा रखा था। जैसे ही वो प्रतीक को सीट पर बिठाने के लिए गए, प्रतीक ने कहा कि जब मुझे सलमान सर रोज में बिठाने के लिए गए तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हो गया कि मैं टॉप 2 तक भी नहीं पहुंचा हूं, इट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। उसी के साथ साथ प्रतीक ये भी कहते नजर आए कि मैं जैसे ही वहां पर बैठा, मेरी मॉम ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो तू ऑलरेडी विनर है। वो अलग बात है कि मेरे दिल में तभी भी मैं प्रेयर कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं डेफिनेटली टॉप 2 में हूं। और उसके ठीक एक मिनट बाद सलमान सर ने मुझे वापस बुलाया और करण कुंद्रा को टॉप 3 से निकालकर, करण कुंद्रा वहां बैठे, मैं और तेजस्वी एज टॉप 2 वहां पर खड़े थे, तब मुझे विश्वास हुआ कहीं ना कहीं कि थैंक गॉड जो मैं सोच रहा था वही हुआ। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि फिनाले के काफी दिनों पहले तक मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रे कर रहा था, मैं सिर्फ दुआएं मांग रहा था कि मैं किसी तरह ट्रॉफी जीत जाऊं। उसी के साथ साथ प्रतीक ने ये भी कहा इमोशनल होकर कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे खाना खाया ही नहीं जा रहा था, फिनाले तक भी मैं खाना नहीं खा पा रहा था। अब आपको बता दूं कि प्रतीक कहते हैं कि हालांकि जब विनर अनाउंस हुए एज तेजस्वी प्रकाश तो मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन हाँ मैंने अपने आंसुओं को रोका नहीं, मैं वहां पर मेरा आउटबर्स्ट हुआ, मैं रोया और रोकर जो भी फीलिंग थी मैंने उसे लेट गो किया। सो डेफिनेटली प्रतीक सहजपाल ने तो अपने दिल से बता दिया है कि क्या कुछ उन्हें फील हुआ, एंड आई एम श्योर कि प्रतीक आज बहुत खुश होंगे क्योंकि वो इतने ज्यादा बिजी हैं, बैक टू बैक शूट्स कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। प्रतीक ने ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन दिल जरूर जीते, आपको क्या है कहना इस पर आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में।